शहर सोलापुर में हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के मौके पर खिताब बयाम कार्यक्रम परमवीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के जानिब से रखा गया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सेक्युलरिज्म खिताब बयाम कार्यक्रम में सरफराज शेख मांझी आमदर नरसया आदम मासतर एमद शेख आसिफ भाई पठान इलियास सिद्दीकी जावेद पठान अकील शेख यूसुफ मिंजे और भी लोगों ने शिरकत की। सत्ता में आते हैं टीपू सुल्तान जैसे ही सत्ता में आते हैं तो सावरकर जिस तरीके से लिखते हैं हिंदू पर पीड़ा क्रूर कर्मा टीपू सुल्तान ने लक्षावधि शासन के लिए हिंदू नाबाद ढूंढा था, वैसा कोई आदेश नहीं देते हैं। वो एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और जनता के प्रति और जनता को दे देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करने वाला हूं। उस मैनिफेस्टो में 8 कलम है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सीक्रेट करेस्पॉन्डेंस ऑफ टीपू सुल्तान ने कौसर कबीर ने वो मैनिफेस्टो दिया हुआ है, मेरी किताब में मैंने उसका तर्जुमा किया है मराठी में, तो मराठी में पढ़ के सुनाता हूँ। इतने फास्ट मैं उर्दू उसका तर्जुमा नहीं कर सकता क्योंकि मराठी में सुनाता हूँ। नंबर 1 का पॉइंट है, मी सुल्तान टीपू सल्तनत खुदादादचा प्रमुख असे जाहीर करतो की मी माझ्या राज्यात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक आणि वंशीय भेदभाव न करता माझ्या रयतेचे नैतिकतेच्या पातळीवर प्रबोधन करण्याचा व त्यांच्यात सामाजिक सुधारणा घडवण्याचा प्रयत्न करीन। नंबर 2, इसी मॅनिफेस्टो में नंबर 2 पे लिखते हैं टीपू सुल्तान त्यांच्या सुखासाठी, किसकी, जनता जनता जनतेच्या सुखासाठी, त्यांच्या सुखासाठी व्यावसायिक व राजकीय प्रगतीसाठी नेहमी प्रयत्न करत राहील। सिर्फ लिखकर काम नहीं होने वाला था, काम करना भी जरूरी था, इसीलिए व्यवसायिक प्रगति जनता की हो इसलिए टीपू सुल्तान ने क्या किया। टीपू सुल्तान जानते थे कि अंग्रेजों की सत्ता की जो नींव है वो नींव उनकी इकोनॉमी में छुपी हुई है, उनके ट्रेड में छुपी हुई है, उनके कारोबार में छुपी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी में छुपी हुई है। और ये भारत का पहला राजा था जो अंग्रेजों के साथ फाइनेंशियल जंग लड़ना चाहता था और उसी लिए भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लेवल पे एक कंपनी की स्थापना टीपू सुल्तान ने की और उसके लिए उन्होंने जो सरमाया बांडवल जिसको बोलते हैं, कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो कैसे जमा किया, जनता को लूट के नहीं, किसी से कर्जा लेके बिल्कुल नहीं, क्या किया,